हिंदी संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु परालकर ने हिंदी भाषा और पत्रकारिता को समृद्ध व संस्कारित किया। उनकी पत्रकारिता राष्ट्रभक्ति और क्रांति धर्म से अनुप्राणित थी। निरंकुश अंग्रेजी साम्राज्य को निर्भीकता से चुनौती देने का सामर्थ्य परालकर जी के लेखों में उपलब्ध है। यह विचार गुरुवार को परालकर जयंती पर काशी पत्रकार संघ द्वारा परालकर स्मृति भवन में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए। मुख्य वक्ता विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय ने कहा कि परालकर जी भारत, भारतीय और भारतीयता के समर्पित साधक थे। पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व की वे समझ रखते थे। वे दूरदर्शी और स्पष्टवादी पत्रकार थे। देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नवजागरण में उनके लेखन का महत्वपूर्ण स्थान था। समाजवादी चिंतक विजय नारायण ने परालकर जी को हिंदी पत्रकारिता के नवयुग का प्रवर्तक बताया। प्रोफेसर श्रद्धानंद ने कहा कि ऐसी पुण्य आत्माओं का स्मरण करने से ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर महंत तिवारी अलंकार ने परालकर जी की मूल्यपरक पत्रकारिता को रेखांकित किया। योगेश कुमार गुप्त ने कहा कि परालकर जी का लेखन समाज को जोड़ने वाला था। सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि परालकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर कविंद्र नारायण ने कहा कि परालकर जी आज़ादी के समर्थक ही नहीं वरन योद्धा भी थे। भारतेंदु वंशज दीपेश चंद्र चौधरी ने कहा कि छोटे छोटे वाक्यों से विषय को समृद्ध करना परालकर जी की विशेषता थी। एके लारी ने पत्रकारिता में आसन्न संकट पर चिंता व्यक्त की। अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि परालकर जी की पत्रकारिता मानव समाज की दिशा निर्देशिका है। कार्यक्रम का संचालन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र व धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने दिया। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, राजनाथ तिवारी, कैलाश यादव, अरुण कुमार सिंह, मुन्नालाल सानी, आशुतोष पांडे, विमलेश चतुर्वेदी, डॉक्टर जयशंकर जय, रामजी वर्मा, रामबिलन श्रीवास्तव व अजय यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पूज्य परालकर जी की पत्रकारिता, उनके संपादकीय लेखन में क्या क्या दृष्टि थी भारत के विकास का, भारत के भविष्य का, भारत के सभ्यता का, भारत की संस्कृति का, भारत की मर्यादा का, उसमें जो उनके दृष्टिकोण निहित हैं वो आज की पीढ़ी उसको जाने, समझे और अपने दायित्वों को कैसे बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। पत्रकारिता वह विधा है जिसमें हमें अपने दायित्वों को अत्यंत जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना पड़ता है। तो हम सब लोगों ने एक चर्चा की और हम ऐसे मनीष को हमने प्रणाम किया। सब पत्रकारों का आज यहाँ एकत्रीकरण हुआ। सबके बीच में परालकर जी आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थे और कल भी प्रासंगिक रहेंगे, ऐसी मेरी धारणा है।